लास्ट वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और वो कंसेप्ट क्लियर हो गया था। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म देखेंगे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट ये है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट वो याद रखना कि कोई भी नॉर्मल फॉर्म में अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो उसके पीछे वाला नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कोई टेबल को लेता हूं तो फर्स्ट उसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है कि नहीं वो चेक करूंगा। अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है तभी हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे आगे बढ़ेंगे। सो सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आपको एक टर्म आएगी, वो समझना बहुत जरूरी है। पहले वो टर्म समझते हैं। वो टर्म है पार्शियल डिपेंडेंसी। ओके, लेट अस कंसीडर, यहां पे हमारे पास कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। ए बी स्टैंड्स टू सी एंड बी स्टैंड्स टू सी। ओके, अब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का हम कैंडिडेट की फाइंड करते हैं तो कैंडिडेट की हमें क्या मिलेगी? तो लेट अस अप्लाई। अब कैंडिडेट की मैंने बहुत वीडियोस आगे की वीडियोस में बता दी है कि किस तरह से फाइंड करते हैं। जनरली कैंडिडेट की के लिए यहां से आपको देख के ही पता चल जाएगा, अगर मैं यहाँ पे सिंगल एट्रीब्यूट यानी अगर मैं ए को अप्लाई करता हूँ, ए का क्लोजर फाइंड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ए बी का क्लोजर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ए बी के क्लोजर में फर्स्ट मैं ए बी को इंक्लूड करूंगा, देन ए बी डिटरमाइन सी। तो यहाँ पे मुझे ए बी के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स टोटली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी में वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब ये जो ए बी है कैंडिडेट की, उसको हम एक नया टर्म देंगे। ए बी को हम क्या कहते हैं? की एट्रीब्यूट। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि जो भी की एट्रीब्यूट होता है उसको हम प्राइम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। सो यहां पे की एट्रीब्यूट में हमारे पास है ए बी एंड नॉन की एट्रीब्यूट। नॉन की एट्रीब्यूट दैट मींस यहां पे नॉन की एट्रीब्यूट में हमारे पास है सी, बिकॉज यहां पे सी की एट्रीब्यूट में नहीं आता है। जो भी कैंडिडेट की में आएगा वही हमारा की एट्रीब्यूट होगा, नॉन की की के अलावा। और यहां पे इसको हम प्राइम एट्रीब्यूट कहेंगे और इसको हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी कहेंगे। सो ये याद रखना, ये चीज यहां पे काम आएगी, नॉन प्राइम एंड प्राइम एट्रीब्यूट्स। नाउ व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी? फंक्शनल डिपेंडेंसी में अगर देखते हैं तो सी यहां पे की एट्रीब्यूट पे फुल्ली डिपेंडेंट है, यानी कि ए बी सी को डिटरमाइन कर रहा है। एंड अगेन नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी में यहां पे सी बी पे डिपेंडेंट है। अब सी क्या है? नॉन की एट्रीब्यूट है। और बी क्या है? की एट्रीब्यूट है। अब जब भी ऐसा होगा कि नॉन की एट्रीब्यूट एक की एट्रीब्यूट या फिर कहे तो पार्ट ऑफ द की एट्रीब्यूट उस पर अगर डिपेंडेंट है, जैसे कि ये नॉन की एट्रीब्यूट है लेकिन ये की एट्रीब्यूट है, लेकिन ये पार्ट ऑफ की है, पूरी की नहीं है, जैसे कि ए बी पूरा नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ बी आ रहा है, पार्ट ऑफ की एट्रीब्यूट आ रहा है, तो ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम कहेंगे पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। लेट मी गिव योर नेम, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, अब पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे क्या इसका यूज है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, लेट अस सी। यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट्स है हमारे पास, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी को यहाँ पे मैं जस्ट एक छोटे एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। ए बी क्या की एट्रीब्यूट है, यानी कि ए बी डिटरमाइन करेगा सी को। तो यहाँ पे मैं अगर ए वन बी वन ए टू बी टू इस तरह से लूंगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ए बी का जो पैर है ये सेम पैर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ए वन रिपीट होगा तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ए वन बी थ्री। ओके, ए वन बी वन डिटरमाइन सी वन सी टू एंड सी थ्री। नाउ ए टू बी थ्री एंड ए थ्री बी थ्री, इस तरह की दो और एंट्रीज है हमारे पास। नाउ यहाँ पे क्या होगा कि हमारी फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी डिटरमाइन सी वो तो हो ही रही है, यहाँ पे ये दोनों की एट्रीब्यूट है, सी को डिटरमाइन कर रहे हैं। दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी ये है कि बी डिटरमाइन सी, यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास थी उस पे से हमने टेबल बनाया है, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बी की वैल्यू पे से मैं सी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकता हूँ, बी वन पे से सी वन, बी टू पे से सी टू, बी थ्री पे से सी थ्री। सो यहाँ पे बी थ्री पे से भी सी थ्री ही मिलेगा मुझे। ओके, एंड अगेन और वैल्यूज के लिए हम अगर देखते हैं तो ए फोर बी थ्री, तो उसके लिए भी मुझे सी थ्री मिलेगी। इस तरह से जितनी बार यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो इसको डिटरमाइन करेगी। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? एज यू कैन सी कि ये जो एंट्री है वो बार बार रिपीट हो रही है।
दैट मींस ये C3 की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है जबकि ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, डेटा यहाँ पे रिडंडेंट आ रहा है और ये डेटा भी रिडंडेंट आ रहा है। अब जो डेटा रिडंडेंट आ रहा है उसको हमें निकालना है। अब किस तरह से निकालेंगे, एस यहाँ पे ए बी जो है वो की एट्रीब्यूट है तो हम इसको भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये नॉन की एट्रीब्यूट है तो इसको हम अलग करेंगे। अब ये पूरा रिलेशन है उसको हमें डिकम्पोज करना है। पहले के वीडियोस में मैंने कहा था कि ये डिकम्पोजिशन जो भी मिनिमल कवर है ये सारी वीडियोस काम की है नॉर्मलाइजेशन के लिए, इसलिए मैंने डिकम्पोजिशन आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोस में। नाउ ये टेबल को मुझे डिकम्पोज करना है, लेट अस सी यहाँ पे डिकम्पोजिशन करते हैं। रिलेशन ए बी एंड सी दिया हुआ है मुझे, अब इसको मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ। डिकम्पोजिशन किस तरह से करेंगे, यहाँ पे एक कॉमन एट्रीब्यूट ले लेंगे हम। डिकम्पोजिशन की वीडियो में मैंने कहा था दो रूल फॉलो करने हैं, एक तो कॉमन एट्रीब्यूट ले लेना है, दूसरा दोनों में से कोई भी रिलेशन हमारा जो भी होगा वो की एट्रीब्यूट होना चाहिए। लेट अस सी, यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ ए बी एंड बी सी, ये रिलेशन को मैंने डिकम्पोज कर दिया ए बी एंड बी सी में। अब यहाँ पे ए बी जो है वो वी डोंट माइंड, यहाँ पे दोनों में कॉमन है बी। अब ये दोनों में से कोई भी एक की एट्रीब्यूट यानी कि की एट्रीब्यूट से डेटा माइन करता हो, लेट अस सी अगेन बताता हूँ कि यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट बी है तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि कौन से रिलेशन में बी एज अ की एट्रीब्यूट काम करता है। तो की एट्रीब्यूट यहाँ पे बी सी में बी एज अ की एट्रीब्यूट काम करता है। किस तरह से, हम ये फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे देखेंगे। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी में बी सी को डिटरमाइन कर रहा है तो बी ये रिलेशन के लिए एज अ की एट्रीब्यूट काम करेगा। दैट मींस ये हमारा जो डिकम्पोजिशन होगा वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में लॉसलेस डिकम्पोजिशन होना चाहिए तो आपको डिकम्पोजिशन के रूल्स फॉलो करने होंगे। सो यहाँ पे अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो लेट अस सी A1 B1 A2 B2 A1 B3 A2 B3 and A4 B3। यहाँ पे ए बी की वैल्यूज है मैंने लिस्ट आउट कर दी। नाउ बी की वैल्यूज में लिस्ट आउट करता हूँ बी सी में, तो यहाँ पे B1 C1 B2 C2 and B3 C3। अगर आप देखते हो तो बाद में सारी वैल्यूज रिपीट हो रही है तो वो हम नहीं लिखेंगे। एंड यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज को रिडंडेंट थी तो ये मैंने निकाल दिया, यानी कि C3 रिपीट हो रहा था उसको मैंने यहाँ पे निकाल दिया। सो ये जो अभी मिल रहा है वो आपको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कह सकते हैं, भले ही अभी ये रिपीट हो रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब ये की एट्रीब्यूट नहीं होगा तब हम इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जो ये है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। ओके सो अब अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या है, लेट अस डेफिनेशन वाइज देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। तो यहाँ पे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने, फर्स्ट डेफिनेशन इज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, यानी कि अभी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है तो उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पार्शियल डिपेंडेंसी मिलती है तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, याद रखना। ओके सो उसकी रिक्वायरमेंट फर्स्ट क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज अ रिलेशन स्कीमा आर इज इन 2NF इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ए इन आर इज नॉट पार्शियली डिपेंडेंट ऑन एनी की ऑफ आर, यानी कि जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट पार्ट नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सी है लेकिन वो प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है इसलिए हम इसको पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगेन देख लेते हैं, यहाँ पे अगर मेरे पास है ए बी डिटरमाइंस सी, ओके ये हमारी कैंडिडेट की है। अब ए बी डिटरमाइंस सी में से अगर मैं कैंडिडेट की में से एक एट्रीब्यूट निकाल देता हूं, यानी कि जैसे कि मैंने ए को निकाल दिया, अब ए को निकालने के बाद B determines C, यानी कि ये functional dependency hold करती है, यानी कि ये satisfy हो रही है, that means ये हमारे partial dependency है, so ये नहीं होना चाहिए, this is second point. Third point is a functional dependency X determines Y is a partial dependency if some attribute of A belongs to X can be removed from X and the dependency still holds. यानी कि जैसे हमने AB में से A को निकाल दिया फिर भी B determines C यहाँ पे hold हो रही है due to this, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। सो आई होप पार्शियल डिपेंडेंसी आपको समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ जाता है तो आप नॉर्मलाइजेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म के सारे सम्स सॉल्व कर सकते हैं, और आगे भी हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के थोड़े सम्स देखेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।